आंवले गुड़ की चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 250 ग्राम आंवले लिए हैं, जिनको कि मैंने अच्छे से धो लिया है। अब हम प्रेशर कुकर में ये आंवले डालेंगे। इसमें आधा कप पानी डालेंगे, कुकर का ढक्कन लगा देंगे। अब गैस को ऑन करके हाई फ्लेम पर रखेंगे और इसमें 3 सीटियां आने देंगे। इसमें 3 सीटियां आ गई हैं। अब गैस को ऑफ कर देंगे और कुकर को बिल्कुल ठंडा होने देंगे। कुकर ठंडा हो गया है और आप देख सकते हैं कि आंवले अच्छे से बॉईल हो गए हैं। अब हम आंवलों को एक प्लेट में निकाल लेंगे और इनको बिल्कुल ठंडा होने देंगे। आंवले बिल्कुल ठंडे हो गए हैं। अब एक मिक्सर जार लेंगे, आंवलों का पल्प निकालकर इसमें डालेंगे और गुठली को अलग कर देंगे। आप देख सकते हैं कि आंवले कितने अच्छे से बॉईल हुए हैं और कितनी आसानी से इनका पल्प निकल रहा है। हमने सारे आंवलों का पल्प निकाल लिया है। अब हम इसको बिना पानी के अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे। हमने आंवलों को अच्छे से ग्राइंड कर लिया है और इसका पेस्ट बना लिया है। अब हम इसको एक बोल में निकाल लेंगे। अब एक कढ़ाई लेंगे, उसमें हमने जो आंवलों का पेस्ट बनाकर तैयार किया है वो डालेंगे। गैस को अभी ऑन नहीं करेंगे। ये मैंने 250 ग्राम गुड़ लिया है, जिसे कि मैंने कद्दूकस कर लिया है। आप गुड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर भी ले सकते हैं। हमने गुड़ को कद्दूकस इसलिए किया है जिससे कि वो जल्दी मेल्ट हो जाए। अब हम गुड़ को इसमें डाल देंगे। एक छोटी चम्मच गरम मसाला डालेंगे, आधी छोटी चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच काला नमक। अब हम सारी चीजों को पहले मिक्स कर लेंगे। ध्यान रखें कि अभी गैस को ऑन नहीं करना है। इस चटनी को बनाने के लिए आप नॉनस्टिक कढ़ाई या पैन का ही इस्तेमाल करें, जिससे कि ये तले में ना लगे। सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो गई हैं, तो अब हम गैस को ऑन करके मीडियम लो रखेंगे। अब मीडियम लो फ्लेम पर हम इसे लगातार चलाते रहेंगे और गुड़ को मेल्ट होने देंगे। इस रेसिपी में आपको गुड़ और आंवला बराबर मात्रा में लेना है, और अगर आपको गुड़ पसंद ना हो तो आप चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गुड़ पूरी तरीके से मेल्ट हो गया है। अब हम इसको मीडियम लो फ्लेम पर ही बीच बीच में चलाते हुए तब तक पकाएंगे जब तक कि ये एकदम गाढ़ा ना हो जाए और कढ़ाई के साइड्स ना छोड़ने लगे। ये देखिए, हमारा आंवले गुड़ का मिक्सचर गाढ़ा होने लगा है। इसे बीच बीच में चलाते रहे और अब हम इसे केवल 2 से 3 मिनट के लिए और पकाएंगे। 3 मिनट हो गए हैं और हमारे आंवले गुड़ की चटनी तैयार है। आप देख सकते हैं कि ये काफी गाढ़ा हो गया है और इसने कढ़ाई के साइड्स भी छोड़ दिए हैं। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसे बिल्कुल ठंडा होने देंगे। हमारी आंवले गुड़ की चटनी बिल्कुल ठंडी हो गई है। अब हम इसको एक बोल में निकाल लेते हैं। हमारी आंवले गुड़ की बेहद स्वादिष्ट और स्वास्थ्य वर्धक चटनी बनकर के तैयार है। आप इसे नमकीन पूड़ी, भरवा पराठे और नमकीन पराठों के साथ खाइए। फ्रिज में रखकर आप इसे 3 से 4 महीने तक स्टोर कर सकते हैं और इसका मजा ले सकते हैं। हमने यहाँ पर टोटल 9 आंवले लिए हैं। इनको हम छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे और इनकी जो गुठली है उसको अलग कर देंगे। इसका जितना भी पल्प है वो पूरा निकाल लेना है।
सारे आंवलों को हमने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। अब एक पैन लेंगे, उसमें एक बड़ा चम्मच तेल डालेंगे, गैस को ऑन करके मीडियम फ्लेम पे रखेंगे और तेल को हल्का गर्म होने देंगे। तेल हल्का गर्म हो गया है, तेल को बहुत ज्यादा गर्म नहीं करना है। गैस को अब हम लो फ्लेम पर कर देंगे। अब हम इसमें हरी मिर्चियाँ डालेंगे। मैंने यहाँ पर 4 मिर्चियों को टुकड़ों में काट कर लिया है। मिर्चियों को 1-2 सेकंड के लिए पकाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे 2 चुटकी हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच मेथी दाना पाउडर। इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें डालेंगे कटे हुए आंवले, एक छोटी चम्मच नमक डालेंगे जिससे कि आंवले अच्छे से गल जाएं। 4 टेबलस्पून के बराबर पानी डालेंगे जिससे कि आंवले तले में लगकर जले नहीं। सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम गैस को मीडियम लो करेंगे और इनको हम बीच बीच में चलाते हुए तब तक पकाएंगे जब तक कि आंवले थोड़े सॉफ्ट न हो जाएं। आप देख सकते हैं कि इसका पानी सूख चुका है। एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं। अभी ये थोड़े हार्ड हैं। हमने जो इसमें पानी डाला था वो पूरा सूख चुका है, इसलिए अब हम गैस को एकदम लो फ्लेम पर कर देंगे और इनको 2-3 मिनट के लिए और पकाएंगे। बीच बीच में इनको चलाते जरूर रहें। 3 मिनट और हो गए हैं इनको पकते हुए। अब हम वापस से इसको एक बार चेक कर लेंगे। ये देखिए, ये कितनी आसानी से कट रहा है। इसका मतलब कि ये अच्छे से पक चुका है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसको बिल्कुल ठंडा होने देंगे। हमने जो आंवले पकाए थे वो बिल्कुल ठंडे हो गए हैं, तो अब हम इनको एक मिक्सर जार में डालेंगे। इसमें 1/3 कप हरा धनिया डालेंगे, 1 बड़ा चम्मच भुनी हुई मूंगफली डालेंगे, 1 छोटी चम्मच नमक डालेंगे। हम आंवले पकाते टाइम भी नमक डाल चुके हैं, इसलिए नमक थोड़ा हिसाब से और अपने स्वाद के अनुसार डालें। 1/2 नींबू का रस डालेंगे, 1 बड़ा टुकड़ा गुड़ का डालेंगे जो कि लगभग 2 टेबलस्पून है। अब इसको बिना पानी के ही अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। हमने सारी चीजों को अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। अगर आपको लगे कि ये बिना पानी के नहीं पिस रहा है तो आप इसमें 2-3 चम्मच पानी डाल सकते हैं। वैसे तो ये बिना पानी के भी आसानी से पिस जाएगा। अब चटनी के लिए तड़का तैयार करेंगे, तो हम पैन में 1 छोटी चम्मच तेल डालेंगे। गैस को ऑन करके लो फ्लेम पर रखेंगे और तेल को गर्म होने देंगे। तेल अच्छे से गर्म हो गया है, तो अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। अब इसमें 1 छोटी चम्मच मस्टर्ड सीड्स डालेंगे, 10-12 करी पत्ते डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये जो तड़का है इसको चटनी में डालने से पहले हम इसमें 2 चुटकी हल्दी डालेंगे और मिक्स कर देंगे। अब ये तड़का हम चटनी में डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप चटनी की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कि ये गाढ़ी है और ये चटनी ऐसे ही खाने में अच्छी लगती है। अगर आपको चटनी थोड़ी पतली चाहिए तो आप इसमें थोड़ा पानी ऐड कर सकते हैं। तड़का इसमें अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम चटनी को एक बोल में निकाल लेंगे। हमारी आंवले की तड़के वाली चटनी बनकर बिल्कुल तैयार है और इसका टेस्ट बहुत ही औसम है। आप इसे लंच या डिनर में खाने के साथ लें, पूड़ी पराठों के साथ खाएं